स्टूडेंट खबरी एजुकेशन से रिलेटेड छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करिए हमें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकॉन। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल, माय सेल्फ निमिषा। एंड जैसे कि आप जानते हैं, इस चैनल में मिलती है आपको अपडेट्स अबाउट द डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। सो इसी टॉपिक को एक्सटेंड करते हुए मैं लेके आ गई हूँ एक नया इंस्टीट्यूट, आप जानेंगे यार, जिसका नाम है MNNIT इंस्टीट्यूट, यानी इलाहाबाद में ये बेसिकली लोकेटेड है। अदर नेम की अगर हम बात करें तो ये फेमस है मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MNNIT इलाहाबाद का। नाउ अगर हम इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन की बात करें तो ये हुआ था एस्टैब्लिश इन द ईयर 1961, विच इज ऑल्सो डीम्ड यूनिवर्सिटी। अगर हम इसके अप्रूव बात करें कि कहाँ से अप्रूव्ड है, सो इट इज AICTE अप्रूव्ड। एंड अगर हम बात करें कि कौन कौन से आपको टेस्ट देने पड़ते हैं, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेज होते हैं, क्या क्या फैसिलिटीज है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगी। एंड इन एडिशन टू दिस, इसके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, प्लेसमेंट रिव्यूज, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है अबाउट MNNIT। सो अगर ये वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, सो इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर हम चालू करें इसके बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कोर्सेज के बारे में चालू करते हैं, क्योंकि कोर्सेज ये आपको ऑफर करता है अंडर ग्रेजुएट लेवल कोर्स एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। सम ऑफ द फेमस कोर्सेज विच इट ऑफर्स इज BTech, यानी बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी स्टूडेंट के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी स्ट्रीम्स भी अवेलेबल हैं। अगर हम बेसिक स्ट्रीम्स की बात करें तो नाइन स्ट्रीम्स है। एंड अगर हम नेम करें उन स्ट्रीम्स को, सो दैट इज सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जैसी कुछ स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं BTech जैसे कोर्स के लिए। नेक्स्ट कोर्स की अगर हम बात करें वो है मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MTech। यहाँ पे भी आपको 28 स्ट्रीम्स अवेलेबल होती हैं। 28 स्ट्रीम्स की अगर हम बात करें तो नंबर ऑफ स्ट्रीम्स आर ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट, डिजिटल सिस्टम, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एंड लॉट मोर। सो ये सारे कोर्सेज की आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। सो इसकी अगर इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को रीच आउट कर सकते हैं, ये कोर्सेज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आपको मिलेगी। एंड इन एडिशन टू दिस, हम वहाँ पर काफ़ी अपडेट्स डालते रहते हैं, कुछ भी न्यू वीडियो रहता है, कुछ भी न्यू न्यूज़ रहती है रिलेटेड टू एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो हम वो भी अपडेट करते रहते हैं। तो उसके लिए आपको चेक करते रहना चाहिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, एंड ये इंफॉर्मेशन आपको वहां पे जल्द से जल्द मिलेगी। नाउ प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, अगर हम दूसरे कोर्स की बात करें तो मास्टर्स ऑफ साइंस यानी MSc इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग आप कर सकते हैं। यहाँ पे जो एग्जाम रहेगा वो IIT जैम देना पड़ेगा आपको। मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA कर सकते हैं। मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे आपको कोर्स मिलता है। स्ट्रीम्स जो अवेलेबल होती है वो 5 स्ट्रीम्स होती है। नेमली अगर हम बात करें स्ट्रीम्स की, तो स्ट्रीम्स होती है फाइनेंस, सिस्टम मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इंटरनेशनल बिजनेस एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप MBA में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कोर्स पे अगर हम बात करें तो PhD कोर्सेज भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। PhD कोर्सेज जो आपके 3 साल के कोर्स ही ऑफर करता है, स्ट्रीम्स ऑफर करता है फॉरेन स्ट्रीम्स। नाउ स्ट्रीम्स की भी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करनी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, एंड अप्लाइड सब मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं, मैनेजमेंट स्टडीज पढ़ सकते हैं, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस पढ़ सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स, जैसे आप 14 स्ट्रीम्स में PhD कर सकते हैं। नाउ अगर हम बात करें एडमिशन क्राइटेरिया एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो हम उसकी इनडेप्थ इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। काफ़ी सारे एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे स्टूडेंट्स को मिलता है एडमिशन, एंड वो परस्यू कर सकते हैं जो डिफरेंट कोर्सेज के बारे में मैंने आपको बताया। बेसिक जो एंट्रेंस एग्जाम आपको देना रहता है, अगर आप BTech पढ़ना चाहते हैं तो JEE मेन देना पड़ता है, MTech के लिए GATE, MBA के लिए CAT, MCA के लिए NIMCET, MSc के लिए JAM, PhD के लिए UGC NET जैसे एग्जामिनेशन यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपको देने रहते हैं। ना अगर हम BTech की पर्टिकुलरली बात करें तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 10+2 विद 75% मार्क्स आपको स्कोर करने रहते हैं आपके 10+2 में, एंड JEE मेन जैसे कि मैंने आपको बताया वो तो आपको देना रहता ही है। अगर हम MTech की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन आपके कंप्लीट होना चाहिए, एंड आपको गेट एग्जाम देना पड़ता है एंट्रेंस एग्जाम, एंड उसके स्कोर के बेसिस पे मिलता है आपको एडमिशन। ना MSc की बात करते हैं, ग्रेजुएशन विद 55% एंड प्लस IIT जैम, एंड अगर हम MBA की बात करें तो ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए विद 50% एग्रीगेट मार्क्स, एंड आपको कैट जैसे एग्जामिनेशन देना रहता है। PhD की बात करें तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, MCA में ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स, एंड NIMCET जैसा मैंने एग्जाम आपको बताया एंट्रेंस एग्जाम आपको देना रहता है। MSc का भी आई थिंक मैंने कवर कर लिया है, बट अगेन ग्रेजुएशन विद 55% ऑफ मार्क्स, IIT जैम आपको देना रहता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया, कौन से एग्जाम आपको देने रहते हैं एंड क्या एलिजिबिलिटी आपकी होनी चाहिए।
फॉर परस्यूइंग द डिफरेंट कोर्सेज जिसके बारे में हमने बात करी। नाउ हम बात करते हैं यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में। सो प्लेसमेंट से रिलेटेड मेरे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है यार। आज मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि मुझे इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि हमने इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी चेक किया एंड हमने अपने स्टूडेंट रिव्यूज से भी अटेन करी है इन्फॉर्मेशन, उनसे बहुत सारे रिव्यूज लिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली एंड उसी के बेसिस पे मैं आज आपको बताने वाली हूँ प्लेसमेंट ऑफ MNNIT के इलाहाबाद के बारे में। ना अगर इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से चालू करें तो बहुत सारी कंपनीज ये आती यहाँ पे आती हैं एंड हर कोर्सेज में ये अपने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे भी है एंड जो हमारे रिव्यूज़ के अकॉर्डिंग भी है बहुत सारे इनने इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि इनके एलिजिबल कैंडिडेट्स कितने थे, कितने पास हुए, कितने प्लेस हुए हैं, क्या इनका परसेंटेज रहा है यानी प्लेसमेंट परसेंटेज कितना रहा है, एवरेज CTC कितना ऑफर हुआ है एंड मैक्सिमम CTC कितना ऑफर हुआ है। तो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी अब हम जान लेते हैं। अगर हम MTech BTech स्टूडेंट्स की बात करें यानी स्टूडेंट्स जो इंजीनियरिंग करते हैं या करना चाहते हैं अलग अलग स्ट्रीम्स, जैसे कि मैंने आपको बहुत सारी स्ट्रीम्स बताई, तो उसके रिलेटेड जो डेटा मुझे मिला है वो है कि अगर आपने ब्रांच यानी बायोटेक्नोलॉजी में आप करना चाहते हैं तो लास्ट टाइम के इन्फॉर्मेशन के हिसाब से इन लोग के जो एलिजिबल कैंडिडेट्स थे वो अराउंड 25 थे। नाउ उसमें से प्लेस कितने हुए थे, वो हुए थे अराउंड 20 फॉर द कोर्स लाइक बायोटेक्नोलॉजी BTech की मैं बात कर रही हूँ एंड इनका जो प्लेसमेंट परसेंटेज वो इस कोर्स के लिए बता रहे हैं यानी इस स्ट्रीम के लिए बता रहे हैं वो 75% प्लस बताते हैं। नाउ एवरेज CTC जो इस स्ट्रीम के लिए ऑफर हुआ था वो अराउंड 8 लाख का एंड मैक्सिमम अराउंड 13 लाख इन्हें क्लेम किया है। फॉर अगर मैं बात करूँ इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, इससे ही रिलेटेड मुझे बहुत सारी स्ट्रीम्स में भी इन्फॉर्मेशन मिली, जैसे केमिकल की बात करें तो केमिकल स्ट्रीम में एवरेज CTC ने 8 अराउंड दिया था एंड मैक्सिमम CTC इनका गया था 17। CSC की बात करें तो 15 अराउंड आपका एवरेज CTC गया था एंड ये भी इन्होंने बताया कि एलिजिबल कैंडिडेट्स जो इनके थे, जितने उनके स्टूडेंट्स प्लेस हुए हैं उसकी जो बैलेंस था वो इक्वल था, यानी जितने प्लेस हुए हैं, जितने ने परफॉर्म किया है, उनके इंटरव्यूज पे क्रैक किया, ये सारी जो प्लेसमेंट उनकी प्रोसीजर फॉलो किए हैं, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है एक्चुअली मैक्सिमम में सारे स्टूडेंट्स उनके जो है प्लेस हो गए हैं। नाउ ECE भी मैंने आपको बताया, IT का बताया, तो 90 जो है इनके एलिजिबल कैंडिडेट्स थे, देन 2019 की मैं बात कर रही हूँ एंड 85 इनके स्टूडेंट्स हुए थे प्लेस। सो आप इससे एस्टिमेशन लगा सकते हैं। एंड अगर हम स्ट्रीम्स की बात करें, IT की जो एवरेज CTC इनका गया था फॉर द लास्ट ईयर वो 12 लाख अराउंड गया था एंड मैक्सिमम CTC जो इन्हें बताया है वो 36 लाख बताया है। सो यही इनका हाईएस्ट पैकेज भी है जो मैंने इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है। नाउ मैं ये क्लेम नहीं कर रही हूँ कि पर्टिकुलरली मैं कौन सी स्ट्रीम्स की बात कर रही हूँ, बिकॉज इनने भी ये क्लेम नहीं किया है कि कौन सी स्ट्रीम में इनका हाईएस्ट पैकेजेस कितना गया है, बट इनने जो बताया है वो 36 अराउंड के अराउंड ही इनका हाईएस्ट पैकेज गया, हाईएस्ट CTC पैकेज गया है, यानी कि 36 लाख के अराउंड। नाउ कुछ रिक्रूटिंग कंपनीज की अगर हम बात करें, कौन कौन सी रिक्रूटिंग कंपनीज यहाँ पे आती है फॉर द प्लेसमेंट थिंग, नाउ BHEL, देन DIT, इंडियन नेवी, ब्रामोस एंड देन ABB, BPCL, AKS सॉफ्टवेयर, कैनन, डेल, डायरेक्ट, GE, गति इंफ्रास्ट्रक्चर्स जैसे कुछ रिक्रूटर्स होते हैं जो यहाँ पे आते हैं एंड रिक्रूटमेंट लेते हैं यानी स्टूडेंट्स को प्लेस करते हैं अपनी कंपनीज में। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमने जान ली, एक बेसिक और एवरेज, मतलब एक एवरेज और एक हाईएस्ट अगर मैं फाइनली इसको कंक्लूड करूं कि कितना ये लोग पैकेज प्रोवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट रिव्यूज में बता रही हूं, वो है कि इन्हें लाइक अराउंड 35-36 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज किया है एंड बेसिक्स जो ये चालू करते हैं 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख से इनका एवरेज पैकेज रहता है। सो दिस वॉज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लेसमेंट। नाउ अगर हम बात करें कट ऑफ की, तो जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्स बताए थे, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, तो कट ऑफ इनका सबका अलग अलग गया है फॉर द डिफरेंट कोर्सेज एंड फॉर द डिफरेंट स्ट्रीम्स। अगर हम BTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की बात करें बेसिकली, तो अदर स्टेट्स में इनका क्लोज हुआ था अराउंड 1200 से चालू होकर 3000 तक क्लोज हो गया था। नाउ फॉर द अदर स्टेट्स की अगर हम बात करें फॉर द कैटेगरी लाइक OBC, सो 6600 से लेके आई थिंक 1000 तक अदर स्टेट्स में फॉर द OBC कैटेगरी क्लोज हो गई थी सीट्स। नाउ होम स्टेट की बात करें तो अराउंड 807 से लेके 1400 तक क्लोज हुई थी सीट्स फॉर द होम स्टेट। नाउ अगर हम SC कैटेगरी की बात करें तो 281 से लेके 602 पे अदर स्टेट्स के लिए क्लोज हुई थी सीट्स एंड होम स्टेट की बात करें तो 450 से लेके 745 पे क्लोज हुई थी फॉर द SC कैंडिडेट। नाउ फाइनली फॉर द ST कैंडिडेट अगर हम बात करें 139 से लेके 314 तक क्लोज हुई थी सीट्स। होम स्टेट की बात करें तो 280 से लेके 799। लेकिन इसके रिलेटेड हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, तो जैसे कि मैंने आपको बताई सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, क्योंकि इतना लंबा वीडियो हो जाएगा जिसमें आप ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं कौन सी इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहा था। इसलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, लिंक प्रोवाइड कर देंगे एंड वहां से आप आपकी जो प्रेफर्ड स्ट्रीम है, प्रेफर्ड कोर्स है, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मेन कट ऑफ की मिल जाएगी, जो कि मैंने आपको JEE मेंस की बताई है। नाउ ऐसे ही गेट का कट ऑफ भी किया था फॉर द जनरल कैटेगरी अगर हम बात करें फॉर द कोर्स लाइक MTech इन केमिकल इंजीनियरिंग,
जनरल कैटेगरी के लिए 530 अराउंड क्लोज हुआ था, ओबीसी के लिए 420 अराउंड, एंड देन एससी की बात करें तो 380 अराउंड, एंड एससी की बात, एंड अगर हम जनरल पीएचडी की बात करें तो 280 अराउंड क्लोज हो गया था. सो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन अबाउट द कट ऑफ. नाउ अगर हम बेसिकली एंड फाइनली एक फाइनल रिव्यू पे आते हैं कि क्या क्या हम रेट कर सकते हैं इस इंस्टीट्यूशन को, तो हम इसको अराउंड 6 पैरामीटर्स पे जज करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिव्यूज जो हमको स्टूडेंट से मिले हैं. एंड जो हम रिव्यू आपको देने वाले हैं वो है स्टूडेंट खबरी का रिव्यू. सो कॉलेज रेटिंग की अगर हम बात करें, इसको अगर हम अकेडमिक में जज करें, तो जितनी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है, जितने रिव्यूज हमको मिले हैं, स्टूडेंट खबरी रेट करता है इसको 8.3 आउट ऑफ 10. इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट हम रेट करेंगे इसको 6.8 आउट ऑफ 10. एंड अगर हम प्लेसमेंट्स की बात करें तो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको काफ़ी दे दी है, बट अगेन अगर आपको प्लेसमेंट से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर अमाउंट इन्फॉर्मेशन चाहिए, एंड आपको रिव्यूज चाहिए, तो आप किसी भी स्टूडेंट को कॉल करके या स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके इसकी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन जान सकते हैं. बिकॉज ऑब्वियसली प्लेसमेंट बहुत बड़ा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा रिसर्च का चीज़ होता है कि अगर हमें प्लेसमेंट्स का इन्फॉर्मेशन मिल गई तो हम इस कॉलेज को प्रेफरेंस में रख सकते हैं, ये हम डिसाइड कर सकते हैं. सो प्लेसमेंट्स में हम इसको रेट करेंगे 8.2 आउट ऑफ 10. अगर हम अकोमोडेशन की बात करें तो 7.1 आउट ऑफ 10, जो कि आपको हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी मिलती है, एंड हॉस्टल्स में आपको गर्ल्स एंड बॉयज़ का सेपरेट फैसिलिटीज़ भी मिलती है. फैकल्टी की बात करें तो 7.5 आउट ऑफ 10, एंड फाइनली अगर हम सोशल लाइफ की बात करें तो 8 आउट ऑफ 10 हम स्टूडेंट खबरी का रिव्यू देते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक. आज हमने जाना MNNIT इलाहाबाद के बारे में, यानी मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इलाहाबाद के बारे में. अगर आपको अभी भी कोई क्वेश्चन क्वेरी डाउट है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे ईजिली पूछ सकते हैं. पर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, जो कि आई होप आपको अच्छा लगा होगा, सो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल. दिस वॉज मी निमिषा जानी साइनिंग ऑफ फॉर टुडेज़ एपिसोड.